थी अम्मी मेरा पुत्र है कम तो आया थका हारिया रात दे 3 बजे कम ही आया तू अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी। और रात के कोई मेरा ख्याल से 3 बज रहे हैं और फातिमा का जो है वो शूट चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालने के बजाय आप लोगों के लिए ना व्लॉग बना लूं। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि ये आज किस कैरेक्टर में, अभी थोड़ी देर में शर्म नहीं आ रही है, बेहयाई के काम है सारे, बंद कर दो बेटा, अल्लाह गुनाह देगा, ये व्लॉग शलोग छोड़ दो सब। भाजी दादी आप ये गीली गंजी की हाय अल्लाह, बाल सारे रुखे पहने तेरे नानी, आपके दिया हुआ तेल नहीं लगाया मैंने, आपने मेरे बालों का खराब खाना करना। वाटा 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 वाटा। मेरी तस्बीह है, ये फातिमा चेन है मेरी यार, इसको रख दो प्लीज अल्लाह का वास्ता है। कोई तरीका का आ रहा है तुम्हारा जिंदगी का, रात के 3 बज रहे हैं और तुम यू आर लुकिंग गंजी टिंडी दादी। आईब्रोज के ऊपर पता है, मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं, ये इसके ऊपर हल्का हल्का व्हाइट कलर का शेड लगाओ अपनी आईब्रोज के ऊपर। चल मालूम है दादी ने ना सिखा। और ये हमारी आज का डायरेक्टर है। कहां से मिला? तुमने कहा था तुम्हें नहीं मिला। तुमने मुझे साइड में डाल दो, मैं कहां था? फातिमा दादी के कैरेक्टर में फातिमा उसके कान खींचती। ओए अल्लाह। खुद कह के तो पता नींद लगा, जल्दी शूट कर, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो दादी जब आप जवान थी तो आपने कभी लव स्टोरी चलाई थी? हां की दसा, इना दे दादा अबू ने मेरे नाल बहुत लव स्टोरीयां चलाईयां ने। बहुत लव स्टोरी? क्या आपको खत फेंकते थे? क्या हुआ था अभी आपको थोड़ी देर में? आप आ गए, आपको पता है रात के कितने बज रहे हैं? रात के 3 बज गए और ये आपकी बेटी दादी बनी। फातिमा वाइपर को नहीं, वो डंडा असली दादियों वाला डंडा ये होता है। चलो जरा एक दफा पापा की अम्मी बनो, एक दफा बनना जरा। जी अम्मी मेरा पुत्र है कम तो आया थका हारिया रात दे 3 बजे कम ही आया तू ये कैसा काम है? अबू फड़ गए, अबू ने अम्मी अम्मी बाहर खड़े, अबू अम्मी कह रही है कि तुसी रात दे 3 बजे कम ही आए थे। ये दादी फातिमा के कैरेक्टर में भरपूर। बंदे दा पुत्र भाईया, बंदे दा पुत्र भाईया, मैं तो सट्टा मारने तक तो पाशन नहीं, मैं तो सोन पाशन नहीं मार मार के तुम लोगों को लगता है कि शोर बंद हो गया? ना छेड़ो इसको, ना छेड़ो, ना छेड़ो, ना छेड़ो। दादी आप हर टाइम गुस्सा क्यों रहती हैं? दादी आपका टूटे चितर गजनी का डंडा समझो। आप तो टूटे चितर की तरह और रफा पागल, थोड़ा नहीं था, और उसके सर पे ठा करके मार मारा, डंडा नहीं था, डंडा थोड़ा था यार, मतलब कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो हैगा तो कान नहीं है ना। जैनब शोर शराबा बंद, लाइट्स कैमरा एक्शन। ते मेरे बेटे दा घर है, मैं जदों मर्जी आवा।
आपका बेटा और बेटी बाहर बोल रही है। मम्मा पापा को मना करो ना बाहर ना बोल। ज़ैनब आप क्या कर रही हो नोजी से? फ्लू हुआ है? शिट, तुमने क्यों नहीं? पापा आया वैसे छुपा लिए। पता है ना वाट लगनी है। ये दादी इतनी काली क्यों आ रही है? रियल में तो नहीं हूँ। नहीं रियल में तो तुम वाइट हो अजरक पहन के। तुमने चुप हो गए मम्मा, चलो मम्मा एक सेकंड बोलना ना, आ जाओ। चलो अब जल्दी जल्दी एक्शन करो, बस दौड़ आई हो मैं इधर से आऊं स्टार्ट और कैमरा मेरी देखना मत सोचो स्टार्ट ते मेरे बेटे दा घर है मैं जदो मर्जी आवां पुत्रा दे घर मामा दस के लेना इतनी बड़ा सुच्चा आ रहा है तुम इधर इधर आ जाया करो ना इधर कैसे आऊं मैं क्या करूं सुच्चा आ रहा है तुम सेंटर में आई उधर लगाओ आप जाकर डायरेक्टर आप साथ थक गया नींद आ रही है लोगों को भी पता लगे ना कि रात के 3 बजे क्या शूट आ रहा है तना दे कार मामा दस के नहीं आ दिया आई थिंक बात आई होगी चलो ते पुत्रा दे कार मामा दस के नहीं आ दिया दादी तुसी टिकटॉक दे बारे च की कहना चाहंदे हो ऐते बहुत टिकटॉकर बैठ गए ना इन्हां ने मेरे डंडे नाल कुटना मैं कुछ नहीं कहना चाहंदी पर डंडा तो तुहाडे हाथ च है तुहानू कोई किवें कुटेगा मेरे पैर कब्र च लटकण दा है मैं कुछ नहीं कह सकदी लेकिन मैं तुहानू एक गल ए बुड्ढी घोड़ी ए लाल लगाम वाला तुसी क्यों हिसाब कीता ए तुसी सूट किंदा पाया सच सच दस्सो खबरदार मेनू बुड्ढी घोड़ी आ गई ते मेरी शादी भी नहीं होई हुने तुसी कह रहे सी कि मैं स्टूडेंट आ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰਾਵੇ ਬੇਟਾ ਕਿਧਰ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਦੀ ਆਪਕਾ ਬੇਟਾ ਤੋ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੈ ਦਾਦੀ ਇਹ ਬੇਟੇ ਬੇਟੇ ਅਭੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਆ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਂਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ दुबला पतला तो इंग्लिश ही कहते हैं उर्दू में दुबला पतला दुबला पतला जो है ना वो उर्दू का वर्ड है दादी आपको इतना नहीं पता कौन से स्कूल में पढ़ती थी आप मैंने हर साल एक एक स्कूल चेंज किया ये तो आपने असली में किया था छोड़ने ले जाने के लिए हाँ पापा ने पापा को पता और ये हमारी दादी है और ये हमारे डैडी हैं डबल डी डी फॉर डबल डी और ये बेचारा डायरेक्टर डी फॉर डैडी डी फॉर दादी डी फॉर दादी इन एक्शन हम आपकी दादी इन एक्शन डैडी है आप क्या दादी है आपको ओए मैं मर जावा दादी ने किसका पर्स ही हीरा का है तो मैं पूछेगी वो दादी की पोतरी क्या पर्स हीरा दादी की पोतरी पोतरी दादी की पोतरी फातिमा को पोतरी को पोतरी दादी आपका नाम क्या है दादी आपका नाम क्या है दादा जोरा कट हो गया फातिमा वापस आ गई अपने मोमेंटम में और आप कब से कॉफी पी जा रहे हैं आधी रात को 4 बजे कौन सी सहरी कर रहे हैं आप खाली है आप सोने जा रहे हैं वो दादी देखे वो आपकी दादी देखे नाखून खा दादी नहीं मेरी मेरी अम्मी है दादी तो आदी है मेरी दा मेरी अम्मी है मेरी आपकी अम्मी ऐसी होती ये अम्मी अम्मी डोंट कैमरा आपको पकड़ रहा है अम्मी मजदूरी कर चलें आपने बताना था कि आप कितने शरारती थे उधर जा रहा है इसका मैं ढेर शरारती था
अभी तो ढेर आज लग रहा है फुल नींद आई हुई नींद और ऐसे भी नींद आवे तो उस लेने नहीं सारे घर दे बिल मैं ही दे सारे घर दे बिल मैं ही दे पापा बाबू ने नहीं फातिमा अबू भी है अम्मी भी है था। अच्छा आप क्या बता रहे थे कि आप कहीं रास्ते में गए तो आपको किसी ने क्या कहा था कौन से रास्ते कि आपके जो है ना वो बेटा बहुत अच्छा है आप बता रहे हाँ वो मुझे कह रहे थे कोई तो आपका बेटा बहुत अच्छा है मैंने क्या बेटा जरा मेरा ना वो दादी भी है और वो उसकी बात हो रही थी अच्छा लोगों को ये भी नहीं पता था कि फातिमा जो है वो कैरेक्टर में लड़के में आती है या इसलिए मैंने अब दादी को कहा कि तुसी जरा बाहर ध्यान ना जाया जी पता लगे दादी अंदर नहीं दादी को चुके लाएगा दादी शूट कर रही है इस वक्त सबको नींद आ रही है तो मुझे लगता है कि अभी हमें जाना चाहिए और सोना चाहिए क्योंकि बहुत लेट हो गई है और इनका तो ये चलता रहना गाइस एस्ट्रोलॉजी पे हमें दीजिए इजाजत अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज़।